अरविंद केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार समन 30 अक्टूबर 2023 को आया कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तक, तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता, ये बात साफ है। पंजाब के विषय पे मैं आता हूं, पंजाब में 4 पार्टियां मुख्यतः चुनाव में हैं। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी, दूसरे पे कहीं कांग्रेस कहीं अकाली, दूसरा तीसरा, चौथे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ये बात तथ्य है, ये मेरा कोई आकलन नहीं है, ये बात सब राजनीतिक लोग जानते हैं कि चौथे नंबर पर आने वाली राजनीतिक पार्टी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है, इनका कुछ नहीं है। और किसान आंदोलन के बाद तो बचा कुचा जो इनकी इज्जत थी वो भी पंजाब में खत्म हो गई है। पंजाब के गांव में बोर्ड लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर आना मना है। इस तरीके से पंजाब का किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, यह भी कहा जा सकता है कि इनसे नफरत करता है पंजाब का किसान। सवाल यह उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हालात पंजाब में इतने खराब हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक कल तोड़ के ले गई। और कल एक और खबर हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है, जो रिंकू हैं जलंधर से हमारे सांसद थे उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना, जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए, जलंधर में, पंजाब के जलंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर ले चौथे नंबर पे आएंगे। क्यों एक सांसद चौथे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आएगा, ये बड़ा सवाल है। कल हमारे 3 विधायकों ने पंजाब में प्रेस वार्ता की, अमनदीप सिंह मुसाफिर,
बलवाना से हमारे विधायक हैं, शीना लुधियाना से हमारी विधायक हैं, जगदीप गोल्डी कंबोज जलालाबाद से हमारे विधायक हैं। इन तीनों ने बताया कि इन तीनों को ही नहीं, मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया और कल सबके सामने उन्होंने प्रेस वार्ता की। मैं जानता हूँ पिछली बार जब हमारी प्रेस वार्ताएं हुई तो कहा गया कौन सा फोन था, किसने फोन किया, कितने बजे आया, किस फोन नंबर से आया। तो कल हमारे विधायकों ने ये फोन नंबर भी जारी किया है कि ये फोन नंबर है जिससे फोन आया है। इसके अलावा भी मेरी जानकारी में है कि उनके पास और भी कुछ इससे रिलेटेड जानकारियां और सबूत हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस नंबर को खुद भी देख लें, समझ लें। आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि शीतल अंगुराल और जो जो गए हैं रिंकू, सुशील रिंकू, ये किसी कड़ी का हिस्सा है? देखिए, ये इन लोगों से हमारी बात नहीं हुई, मगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस बात को नहीं समझ सकता कि एक जीतने वाली पार्टी का सांसद चौथे नंबर पे आने वाली पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। सिर्फ मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि ये नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चौथे पे ही आएगी, मगर सिर्फ पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मचाने के लिए, सरकारों को गिराने की कोशिश के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। यस, this is what I know. So have you placed who the number belongs to? No, I have not placed. Sir, there is one more question. This SJP person called Pandur has released a video and he is claiming that between 2014 onwards, Arvind Kejriwal had given money to the foundation for the release of Mullah. And that I am very surprised when an elected government of America raises concern about the democracy in India, when a German government raises its concern about speedy trial, free and fair justice in India, the central government and the BJP is very agitated that why is another government talking about the internal affairs of the country, and here is a person belonging to a terrorist organization talking bullshit about a sitting chief minister, and the BJP and its handles are promoting a terrorist in the country as if he is a saint. This is shameful. This shows that BJP is anti-national, and there is a tactic understanding between BJP and such elements. ये बहुत शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनी हुई सरकारें, अमेरिका की चुनी हुई सरकार और जर्मनी की चुनी हुई सरकार भारत के अंदर हो रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उथल पुथल के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिले और जल्द न्याय मिले, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी और भारत की केंद्र सरकार को आपत्ति होती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है कि बाहर की सरकार हमारे देश के बारे में कैसे कुछ कह सकती है। मगर जब एक उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी इस तरीके का घटिया संदेश एक चुने हुए मुख्यमंत्री के विषय में देता है तो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल्स
भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल इसको ऐसे देश के अंदर चलाते हैं जैसे किसी साधु संत ने कोई ब्रह्म वाक्य कहा है। ये बहुत शर्म की बात है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ इस तरीके से इस तरीके के देश विरोधी एलिमेंट्स के साथ है। और जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं जेल से नहीं चलेगी सरकार। अरे एलजी साहब तो कह रहे हैं ना जेल से चलेगी ना बाहर चलेगी, सरकार चलेगी ही नहीं। एलजी साहब तो ये कह रहे हैं, उनके कहने से कोई ना चलेगी। सर हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरीके से सरकार चलानी नहीं चाहिए, परेशानी होगी। देखिए ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी हैं, इसको प्रॉक्सी लिटिगेशन कहा जाता है कि जब आप खुद सरकार गिराने की हिम्मत और नैतिक साहस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो नीतिगत है, वो कानूनी ठीक है, वो संविधान उसके अंदर कोई कमी नहीं निकालता है, तो इस तरीके की प्रॉक्सी लिटिगेशन कोर्ट में लाई जाती है ताकि कोर्ट का सहारा लेके इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करे। मैं चाहूंगा कि कोर्ट भी इस तरीके की चीजों को समझे, अक्सर कोर्ट इस तरीके की चीजों को समझ के टिप्पणियां करते हैं। और कोई सवाल? सर ये कर खबर आई थी कि गोवा से कुछ नेताओं को पूछताछ के लिए समन जारी किया है आपके नेताओं को। देखिए मैंने भी टीवी पे ही फ्लैश सुना है, मेरे को बहुत ज्यादा कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इस विषय में। पता चला है कि कुछ बीजेपी के नेता हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं।